अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ साद फ़ारूक और आप देख रहे हैं 98.7। तो आज मैं आपको इनस्केप के बारे में थोड़ा सा गाइडनेस दूंगा कि बेसिकली इनस्केप के ऊपर काम कैसा होता है, DXF से DWG या JPG से DXF कैसे बनती है। तो ये नहायत ही आसान तरीकाकार है इसका। तो आपने सबसे पहले करना ये होगा कि आपने ये मैंने इमेज लिया है एक हॉर्स का, जिसको मैं इस इमेज को DXF में कन्वर्ट करूँगा। तो आप देखें, प्रोसेस ये है कि आप यहाँ से इनस्केप को ओपन कर लें, ठीक है जी। ये आपका इनस्केप है और आपने यहाँ से ये हॉर्स की पिक्चर लेनी है और इनस्केप के ऊपर डाल देनी है और इसको ओके कर देना है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद इसका यहाँ पे रख के इसका साइज़ जिस हिसाब से आपको चाहिए, ठीक है, तो आप वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे साइज़ जो है वो यहाँ पे चाहिए होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ इसकी वाई एक्सिस पे और यहाँ पे मैं 250 कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 250 कर देता हूँ। यही हमारा। तो इसके बाद हमने ये करना है कि इसको जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको पाथ में जाके ट्रेस विड मैप पे क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है एक यहाँ पे नीचे लाइव प्रीव्यू का, यहाँ से हम देख सकते हैं इसको। ये मैंने लाइव प्रीव्यू किया है। इसके बाद ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप कोऑर्डिनेट्स चेंज कर सकते हैं और कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्मूथ एजेस रखने हैं तो स्मूथ रखें, नहीं तो आपने अगर जैसे ये कॉर्नर दिखाते हैं वहाँ से करना है। इसके बाद आपने ओके कर देना है और इसको यहाँ से पीछे करना है और इसको डिलीट कर देना है। आपने इसको डिलीट कर दिया मैंने और अब इसको दोबारा अपनी जगह पे प्लेस कर देना है यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी DXF बनानी है, तो सेव एज़, ये जो ऑप्शन है सेव एज़ का, इसमें जाना है और यहाँ से ये जो डेस्कटॉप कटर प्लॉटर DXF, तो यहाँ से आप कोई भी नाम दे दें इस ड्राइंग को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम कोई भी दे देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आपने बेसिक यूनिट्स हैं, आप सेंटीमीटर में काम करें, इंचीज में, एमएम में। मेरा एमएम है तो मैं एमएम करूँगा और इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, ठीक है, और इसको ओके कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ से, ये सेव हुई हुई फाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये ऑटो कैड में आ चुकी है जी और इसको अब मैं ये लाइन है सप्ली लाइन है तो इसको मैं लाइन में कन्वर्ट करूँगा। तो उसके लिए हम फ्लैटन का यूज़ करते हैं, ठीक है। कमांड फ्लैटन FLA